ग्यारह बज गए होंगे ना? नहीं, अभी 2 मिनट और बाकी है। हमसे कोई टाइम पूछता है अगर, तो 11 बजने को 5 मिनट बाकी रहते, फिर भी हम उसे बता देते हैं कि 11 बज गए हैं। पर 11 बजने को सिर्फ 2 मिनट बाकी, फिर भी ये महाशय कह रहे हैं कि 11 नहीं बजे हैं। हाय फ्रेंड्स, हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज है मंडे और हमारे घर से थोड़ी दूरी पर एक बड़ी सी मंदिर है, कालीकंधाम। तो आज वहाँ पर मेला लगता है, तो जो श्रद्धालु लोग हैं वो तो दर्शन करने जाते हैं, साथ में वहीं पर अपने घर गृहस्थी के सामान भी खरीद लेते हैं। पब्लिक प्लेस में बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, ऊपर से सर पे पल्लू था तो और भी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। और आप सब जानते हो कि मैं ससुराल में हूँ, तो थोड़ी बहुत तो पर्दे करने ही पड़ते हैं। और यहाँ पर जितनी भी चुंदरियाँ दिख रही हैं, ये सब जिनकी मन्नतें पूरी होती है वो इस तरह से बांध के चले जाते हैं। गई थी दर्शन करने और वहां से छोले समोसे जलेबी लेकर आई हूँ। यूपी के सबसे फेमस डिश है छोले टिकिया। ये मुंबई में कहीं नहीं मिलता, इसके लिए मैं जब भी मेला जाती हूँ तो छोले टिकिया नाश्ते में जरूर लेकर आती हूँ। ये जितनी भी जगह दिख रही है ये सब हमारी है। और यहाँ पर जो दिख रहा है वो सरकारी स्कूल है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। और यहाँ पर हम छोटा सा गार्डन बनाएंगे, पर अभी कुछ पेड़ पौधा नहीं लगाए हैं क्योंकि बारिश नहीं है, और गर्मी में कोई भी पेड़ पौधा लगाएंगे तो सूख जाएगा। तो जब भी बारिश स्टार्ट होगी तो हम यहाँ पर प्लांट्स लगाना शुरू कर देंगे। अलसी है ना ये? हाँ, अगर अलसी का पाउडर बनाकर उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स मिलाकर घी मिलाकर लड्डू बनाकर खाए तो बॉडी में जितने भी पेन होंगे वो सब दूर हो जाते हैं और हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। और बॉडी बिल्डर बनने से तो कोई रोक ही नहीं सकता, पर एक प्रॉब्लम है, ये सबको पसंद नहीं आता, खासकर तो लड़कों को, और सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पसंद आता। तो फ्रेंड्स, मैं यहीं पे अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।